नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं केनस्टार टर्बो कूल नियो 50 डेजर्ट एयर कूलर के यूसेज के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस केनस्टार टर्बो कूल नियो 50 कूलर को अनबॉक्स करके इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की थी, इसको रिव्यू किया था पूरा। यहाँ पर हम इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यों ये एक आपको लगता है कि यूज करना बड़ा सिंपल है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं, आप कोई भी कूलर यूज करते हैं, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है तब आपको वो ठंडक नहीं मिल पाती है जो आप चाहते हैं। वो कूलर जैसे सांसें फूल गई हो ऐसा लगता है आपको ज्यादा गर्मी के टाइम में, जो मई की गर्मी होती है, मई जून में आपको ऐसा लगता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको अच्छे से यूज करें कि ये ज्यादा से ज्यादा कूलिंग आपको देगा और आपको इसकी हवा कम नहीं लगेगी। दोस्तों, ये कूलर केनस्टार टर्बो कूल नियो 50 काफी अच्छी साइज के साथ में है, काफी स्पेशल कूलर है ये। 50 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी इसकी होती है, अच्छी साइज है, ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, एक रात चल जाए पानी इतना है कैपेसिटी। दोस्तों, ये यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छी डिजाइन दी हुई है इसकी, कोलैप्सिबल लूअर्स। तो आप ये कोलैप्सिबल लूअर्स को जिस तरह से थे, आपको इनको इस तरह से करना होगा जब आपको इसको चला रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है इसको यूज करने के लिए वो जानें। उसके लिए आपको इस कूलर को उस जगह पर ले जाना है जहां पर आपको इसे यूज करना है, अपने रूम में या हॉल में या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो जहां कहीं आपको रखना है इसको वहां रख लें। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर खिड़की के पास आप रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दरवाजा हम जानते हैं कि हर बार हम खुला नहीं रख सकते, तो खिड़की के पास इसको रखने की कोशिश करें ताकि वहां से हवा ये अच्छी दे पाए आपको। और इसको वहां ले जाकर जहां आपको इसको चलाना है वहां ले जाकर इसको प्लेस कर दिया, रख दिया। उसके बाद इसमें आपको पानी डाल लेना है। पानी डालने के लिए इन्होंने दो जगह दी है, एक ये वाइस आइस चेम्बर दिया है, यहाँ पर वाटर आइस चेम्बर यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको पानी डाल सकते हैं, या फिर आप ये एक और वाटर आइस चेम्बर है यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो गार्डन पाइप से या जो बाल्टी है, मग्गा है, कुछ भी उससे आप पानी डाल सकते हैं। तो इसको पानी डालकर आप चेक कर लें कि पानी पूरा भर गया है कि नहीं, टैंक अपना पूरा भर जाना चाहिए पानी से, पूरा टैंक भर के आप सोए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना होता है, अपने रूम के खिड़कियों को खोलना है। और अगर आपके रूम में एक से ज्यादा खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है, उनको सबको ओपन रखें, गर्मियों में खोल कर रखें, दिन में नहीं तो रात में तो खोले ही, जब सो रहे हैं तब तो खोले ही। तो क्या होगा, आपको इधर से हवा आएगी, इधर जाएगी, एक तरफ से आ रही है एक तरफ से जा रही है हवा। तो क्या होगा, दोनों तरफ की खिड़कियां आप खोल लें, उससे क्रॉस वेंटिलेशन होगा, हवा पास होती रहेगी, हवा पास होती रहेगी तो आपको ज्यादा हवा मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना कि एक खिड़की खोलने पर आपको ज्यादा हवा मिलती है या दोनों तरफ की खिड़कियां खोलने पर ज्यादा मिलती है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों तरफ की खिड़कियां जब खोलते हैं तब आपको हवा और कूलिंग दोनों ज्यादा मिलते हैं। तो आप दोनों तरफ की खिड़कियां खोल लें, और अगर दरवाजा खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर खोल सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो खोल कर रख लें दरवाजा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कूलिंग मिल पाए, हवा ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। फिर दोस्तों, इसको आपको ऑन करना होगा। तो ऑन करने के लिए ये जो केबल है, इस केबल को आप सॉकेट में प्लग कर दें। प्लग करने के लिए या तो कोई बोर्ड अगर आसपास है वहां तक ये केबल पहुंचती है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचती है तो एक एक्सटेंशन ले लें। कोई एक्सटेंशन आपका 5-10 फीट लंबाई वाला वो ले लें, जिससे कि ये बोर्ड तक पहुंच जाए, ये बोर्ड तक पहुंच जाएगा और यहां से आपको ऑन कर देना होता है। यहां से ऑन कर दिया आपने, फिर यहां से आपको ऑन करना होता है। यहाँ तीन स्विच है, तीन कंट्रोल नॉब है, एक तो है पावर कंट्रोल नॉब, ये जो है यहाँ ऑफ होता है, यहाँ ऑन होता है। क्लोज लूप में आपको दिखा देता हूं, तो ये आपको यहाँ करना होगा ऑन, ऑफ से ऑन पर करना होगा पावर कंट्रोल नॉब। एक और है नॉब, ये ऑफ हाई मीडियम लो, ये स्पीड कंट्रोल नॉब है, तीन स्पीड इसमें होती है, हाई मीडियम और लो।
फिर एक और कंट्रोल नॉब है आपके पास में, ऑफ स्विंग, कूल प्लस स्विंग और कूल। यहां क्या होगा, यहां तो ऑफ है बंद रहेगा, यहां स्विंग चालू हो जाएगी स्विंग वाले पर, यहां कूल प्लस स्विंग हो जाएगा यानी कि पानी की मोटर जो है पंप वो भी चलेगा और ऑटो स्विंग मोटर वो भी चलेगी, मोटराइज्ड लूवर्स घूमेंगे और पानी भी चलता रहेगा तो कूलिंग होती रहेगी। और यहाँ लास्ट में सिर्फ पंप चलेगा यानी सिर्फ कूलिंग होगी, ऑटो स्विंग मोटर नहीं चलेगी। तो आप बेटर कूलिंग के लिए इसे रखें आप कूल प्लस स्विंग, और यहाँ से आप इसको ये हाई स्पीड पर आप रखें। देखिए आप अगर ठंडी हवा नहीं कर रहे हैं तो स्विंग पर रख सकते हैं, क्योंकि आपको ठंडी हवा चाहिए तो आपको यहाँ कूल प्लस स्विंग पर रख दो। आप सिर्फ कूल पर रखेंगे तो एक तरफ जाएगी हवा और स्विंग प्लस कूल दोनों जो होगा तो सब तरफ आपको हवा मिलती रहेगी, है ना। अभी ये दोनों को मैं ऑफ करता हूँ तो देखिए आप काफी अच्छी हवा मिलती है, काफी अच्छी इसकी स्पीड होती है। देखिए आप ये काफी अच्छी इसकी स्पीड है, 4,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की डिलीवरी इस कूलर की होती है और 45 फीट का एरिया लगभग ये कवर करता है, आसपास का 45 फीट का एरिया कवर करता है, तो काफी अच्छी इसकी स्पीड होती है। और पेड इसका काफी अच्छा है, लार्ज पेड एरिया इसमें होता है बैक साइड में आप देखें। और फिर आपको जब ऐसा लगता है कि किसी दिन आपको इसको ओपन करना है तो यहाँ से इजीली आप ओपन कर सकते हैं, ये भी इन्होंने दिया है। साथ ही इसको समय समय पर इसका पेड बदलते रहें, साल में एक बार तो आपको बदलना ही है। उसके अलावा आपको अगर पानी बदबू मार रहा है, ज्यादा पुराना पानी हो गया है इकट्ठा उसके अंदर, आप पानी चेंज कर रहे हैं लेकिन पूरा खाली नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, एक दिन इसकी सफाई करने के लिए ये वाटर रिलीज प्लग यहाँ होता है, इस वाटर रिलीज प्लग को निकाल दें तो सारा पानी बाहर हो जाएगा, फिर आप नया पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप पानी चेंज कर लें। और बाजार में एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी भी आती है जो इसमें पानी में डाल सकते हैं, आपने कभी शादी में देखा होगा एंट्री के जगह पर लगा होता है वो वाला, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं जिससे कि वो बदबू दूर हो जाए और आपको स्मेल भी अच्छी आएगी, हवा भी अच्छी आएगी, कूलिंग भी अच्छी मिलेगी आपको इस तरह से। तो दोस्तों यही आपको ध्यान रखना है कि जो बंद कमरे होते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए आपको कमरे को खुला रखना है, खिड़की एक दरवाजे उनको खुला रखकर आप कूलर को यूज करें जिससे आपको अच्छी हवा अच्छी कूलिंग मिल पाए। और दोस्तों ये कूलर अच्छी प्राइस रेंज में मिलता है, ये लगभग 9-10 हजार की प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है, मैं आपको ऑर्डर लिंक दूंगा वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं अच्छे प्राइस रेंज में। दोस्तों ये हमने बात की केनिस्टार टर्बो कूल नियो 50 डेजर्ट एयर कूलर के बारे में, इसको यूज करने का बेस्ट तरीका जो हो सकता था वो मैंने बताया आपको। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे और भी वीडियोस देखते रहें।